Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ गुंजन तरियाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको IHS रिफंड से लेके नॉलेज दूंगी. बेसिकली कुछ मंथ्स पहले मैंने IHS रिफंड के लिए अप्लाई किया था अपनी एक फ्रेंड का और उनका IHS रिफंड आया है, तो मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहती हूँ कि IHS रिफंड कैसे आता है और किस तरीके के मेल होते हैं. और ये एक जेन्युइन थिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ फेक है, कि फेक IHS रिफंड नहीं आता, ये सिर्फ एक बनी बनाई बात है. गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करते हैं और आपका IHS का रिफंड आता है. तो आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, बिकॉज मैंने अप्लाई करना पहले एक वीडियो में दिखाया हुआ है एंड मैं आपको री अप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि आपको री अप्लाई दोबारा अगर करना है तो आप कैसे IHS के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड उसका रिफंड ले सकते हैं. जो IHS का रिफंड होता है वो आप 6 मंथ्स के लिए अप्लाई करते हो, आप 5 मंथ्स के लिए नहीं कर सकते, 1 ईयर के लिए नहीं कर सकते, 7 मंथ्स के लिए नहीं कर सकते. एग्जैक्टली 6 मंथ्स के पीरियड के लिए आप अप्लाई करते हैं, जिसमें मैंने अपनी एक फ्रेंड का एक अप्लाई किया था और उन्होंने बेसिकली जो सेक्टर है उसमें 4th of January 2023 से वर्क करना स्टार्ट किया था और 3rd of July 2023 तक उनके 6 मंथ्स पूरे हो गए थे. हाँ, 6 मंथ्स उनको हेल्थ सेक्टर में वर्क करते करते हो चुके थे. फिर हम लोगों ने उनकी फाइल जो है वो अक्टूबर में, यानी 20th of October को अप्लाई की और 20th of October को कुछ इस तरीके का मेल आता है जिसमें लिखा हुआ है कि आपका नेम क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है और यहाँ पे डिटेल होती है. ऑल्दो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि 6 वीक्स का टाइम लगता है इसको प्रोसेस होने के लिए, बट आई मस्ट टेल यू कि आपको पता होना चाहिए कि 6 वीक के अंदर में ये आपको पेमेंट मिल जाती है. अगर वो आप सक्सेसफुली क्लेम नहीं कर पाए हैं तो आपको मेल आ जाता है कि आपकी फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, देन आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं. मतलब ये इस तरीके का नहीं है कि आप सक्सेसफुल होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं. अगर आपकी फाइल करेक्ट है और आप करेक्टली प्रूफ कर पाते हैं जो भी क्राइटेरिया है उनके हैं, जो भी एलिजिबिलिटी उनकी है, अगर वो सब चीज़ें आप प्रूफ कर पाते हो तो इसमें कुछ भी इस तरीके का नहीं है कि आप सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल हो गए. अगर आप एलिजिबल हो तो 100% इसका रिफंड आता है. तो मैंने अपनी फ्रेंड का 20th of October को अप्लाई किया था, इस तरीके का मेल आया था. आफ्टर दैट 7th of November को, यानी कि एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था, उसी के अंदर अंदर में ये मेल आया था जिसमें ये लिखा हुआ आया था कि आप सक्सेसफुली आप क्लेम कर सकते हैं IHS के लिए, आपने सक्सेसफुली क्लेम कर लिया है. एंड उसमें एक ये भी इंस्ट्रक्शन होती है कि 6 वीक्स के अंदर अंदर में आपको जो पेमेंट है वो आपको क्रेडिट हो जाएगी. और जिस भी मोड के थ्रू आपने अपना IHS पे किया था, सेम मोड में आपका IHS जो है वो रिफ्लेक्ट करता है. अगर आपने किसी स्ट्रेंजर के उससे किया था तो अनफॉर्चुनेटली वो जाएगा उसी में, उसी कार्ड में या फिर उसी डिटेल में, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसको चेंज कर सकें. तो इट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर मेकिंग योर IHS पेमेंट. लेकिन ये जो 6 वीक्स लिखे हुए हैं ये इस मेल से नहीं है, ये उस दिन से हैं जब आपने फर्स्ट अप्लाई किया था, आपको फर्स्ट जब मेल आया था तो उस टाइम से 6 वीक्स के अंदर अंदर में आपको पेमेंट मिल जाती है. जैसे 7th of November को ये सक्सेसफुल का मेल आया था कि हाँ आपने सक्सेसफुली क्लेम कर लिया है एंड 8th of November को पेमेंट क्रेडिट हो गई थी. अभी जो मेरी फ्रेंड थी इन्होंने अपने लिए भी अप्लाई किया था और अपने डिपेंडेंट के लिए भी अप्लाई किया था. ये सिर्फ ये हेल्थ केयर सेक्टर में वर्क कर रही थी लेकिन इनके जो डिपेंडेंट हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर में नहीं थे, बट सिर्फ एक जो आपका प्राइमरी इंडिविजुअल है वो हेल्थ केयर में वर्क करता हुआ होना चाहिए. ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो डिपेंडेंट है वो ही वर्क करेगा. तो डिपेंडेंट किसी भी सेक्टर में वर्क करता हो, रिफंड दोनों का आता है जो एक के बेसिस पे होता है. तो 7th of November को मेल आया था कि हाँ आपका सक्सेसफुली क्लेम हो चुका है और 8th of November को पेमेंट आ गई थी. तो आप इसको कैसे एक वेरीफाई कर सकते हो, तो जो आपका रेफरेंस नंबर होता है वो तो सेम नहीं होगा, बट जो आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती हैं उसमें आपका IHS का नंबर लिखा होता है. तो इन केस अगर आपने किसी और से पेमेंट कराई है और वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कौन सी पेमेंट है या मुझे रिसीव भी हुई है या नहीं हुई है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि हाँ ये IHS नंबर आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल में होगा. उस IHS नंबर को आप सर्च करोगे तो उसी IHS नंबर के बेसिस पे आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती हैं. अब आप जो ये क्लेम कर रहे हो 6 मंथ्स के लिए कर रहे हो तो आपको पूरा IHS रिफंड नहीं आता है, वो सिर्फ 6 मंथ्स के पीरियड का जो IHS होता है. अगर आपने 1 साल के लिए IHS अपना पे किया है तो आप उसमें से अगर 6 मंथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 मंथ्स जो होते हैं सिर्फ उन्हीं का आप क्लेम कर सकते हो, आप एक साथ सारा क्लेम नहीं कर सकते. आपके पास जो रिफंड आ रहा है वो 6 मंथ्स का आ रहा है. जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे भी शो किया हुआ है कि उनको जो पेमेंट रिसीव हुई है 23,300 समथिंग वो रिसीव हुई है एंड उनके पार्टनर को रिसीव हुई है 22,000
294। तो ये बेसिकली दोनों का अमाउंट है, जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उनका भी और जो डिपेंडेंट है उनका भी। अब जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट डू यू वांट अ रिमाइंडर, तो उसमें आप यस करेंगे, जैसे कि मैंने यस किया था उनकी फाइल फिल करते टाइम पे। तो ये जो उनकी फाइल स्टार्ट हुई थी, उनकी जो ड्यूरेशन स्टार्ट हुई थी वो 4th of January जब से उनकी जॉब स्टार्ट हुई थी, तो उससे लेकर 6 months तक आपको उसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है बिकॉज सिस्टम अपने आप 6 months पिक कर लेगा। 3rd of July तक ये ड्यूरेशन थी 6 months की। तो जैसे ही नेक्स्ट 6 months मेच्योर हो जाते हैं आपको एक मेल आता है, जैसे कि इनको मेल आया था 2nd of February को, यानी 3rd of July को लेकर 3rd of July तक पिछली पेमेंट थी एंड 4th of July से लेकर 3rd of January तक नेक्स्ट पेमेंट थी। तो उसके बाद में 2nd February को उनके पास में एक मेल आता है जो एक रिमाइंडर होता है कि हाँ अब आप अपना दोबारा क्लेम कर सकते हो क्योंकि आपके जो 6 months हैं वो दोबारा मैच्योर हो चुके हैं। तो इनकी जैसी पे स्लिप आई 10th of February को, हमने इनकी फाइल के लिए अप्लाई कर दिया दोबारा, मतलब IHS रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया 10th of February को। एंड कुछ इसी तरीके का मेल आया था जिसमें रेफरेंस नंबर और नेम था। ऑब्वियसली रेफरेंस नंबर पुराने वाले रेफरेंस नंबर से मैच नहीं कर रहा था बिकॉज वो एक नई फाइल है, लेकिन उसमें जो एप्लीकेशन की थी उसमें कुछ छोटा सा डिफरेंस था, छोटी सी चीज़ थी जो आपको मेंशन करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप रीअप्लाई करते टाइम क्या थोड़ा सा चेंज कर सकते हो उनको ये स्पेसिफाई करने के लिए कि आपने पहले भी IHS रिफंड के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो 10th of February को हमने इनकी फाइल के लिए दोबारा अप्लाई किया, दोबारा रिफंड के लिए अप्लाई किया एंड 14th of March यानी विद इन 4 weeks ये एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने सक्सेसफुली क्लेम किया है 14th of March को एंड 15th of March को उनकी पेमेंट रिसीव हो जाती है। तो पेमेंट जो रिसीव हुई थी नेक्स्ट टाइम भी कुछ इसी तरीके की सेम पेमेंट थी, जैसे कि जो पार्टनर हैं उनको रिसीव हुई थी 22,294, ऑब्वियसली बिल्कुल सेम, और जो मेन प्राइमरी एप्लीकेंट हैं उनको रिसीव हुई थी 23,300। तो जो सेम अमाउंट, एग्जैक्टली सेम अमाउंट रिसीव हुआ है और इस तरीके से आप IHS क्लेम कर सकते हैं। तो इन्होंने अब तक 3rd of January तक अपनी IHS रिफंड के लिए क्लेम कर लिया और रिसीव भी कर लिया है। अब जैसे ही 4th of January से लेकर 3rd July तक नया पीरियड मेच्योर हो जाता है दोबारा इनके पास में एक रिमाइंडर आएगा कि हाँ अब आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद में जैसे ही उनके पास पे स्लिप वगैरह सब रेडी हो जाती है दोबारा दे कैन अप्लाई। तो इस तरीके से IHS का पूरा एक प्रोसेस होता है कि आपके पास एक मेल आता है एंड विद इन 6 weeks आपको दोबारा एक सक्सेसफुली क्लेम का मेल आता है और उसके नेक्स्ट डे ही आपको पेमेंट आ जाती है। अगर नेक्स्ट डे नहीं आती है तो जिस दिन आपने अप्लाई किया था उससे विद इन 6 weeks पेमेंट रिसीव हो जाती है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक प्रूफ शो किया है कि हाँ इस तरीके के मेल आते हैं और इट इज़ नॉट समथिंग, बेसिकली इट इज़ वेरी जेन्युइन और ये बेसिकली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ही जाके आप अप्लाई करते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।